हाल ही में साउथ की सुपरस्टार उपेंद्र और किच्चा सुदीप की फिल्म कब्जा रिलीज हुई है। कब्जा के रिलीज होने के साथ ही अब लगातार यह चर्चा की जा रही है कि क्या ये फिल्म यश की फिल्म केजीएफ की सस्ती कॉपी है, क्योंकि जिस तरह से इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी दिखाई दे रही है वो तो देखते हुए यही लग रहा है कि ये फिल्म केजीएफ की यश से हूबहू मेल खाती है। लेकिन जिसने भी कब्जा मूवी देखी है वो ये बात जानता है कि ये फिल्म केजीएफ की सस्ती कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि कब्जा को जैसे रिव्यूज़ मिलने चाहिए थे वैसे नहीं मिले और लोग इस मूवी से काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुए हैं। कब्जा मूवी को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हैं। पॉजिटिव रिव्यूज़ उन लोगों के हैं जिन्होंने मूवी को शायद बहुत ध्यान से देखा है। लेकिन अब सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की और जानते हैं कि क्यों लोग इसे केजीएफ की सस्ती कॉपी भी कह रहे हैं। कहानी की शुरुआत एक गरीब परिवार से होती है। इसमें एक माँ है और उसके दो बेटे हैं जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से पालती है। उनके लिए खाना वो भीख मांग कर लाती है, काम में वो चरखा करती है, अपने बेटों को उसी में लगाती है, उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपना गुजारा करती है। फिल्म का बैकग्राउंड 1942 का है, आज़ादी से 5 साल पहले का। इस दौरान काफ़ी लूटपाट होती थी, गांव के सभी लोगों को गैंगस्टर भर भर के उनके घरों से कहीं और ले जाते और वहाँ उनसे काम करवाते। लोहे के भट्टे पर लोगों को ले जाया जाता और वहाँ मालिक काफ़ी खूंखार होते हैं। इन सब के दौरान एक और गैंगस्टर का जन्म होता है। उसी भट्टे से तपकर निकला गैंगस्टर ही उपेंद्र होता है, जो किसी से नहीं डरता बल्कि बाकी उसको देख कांपते हैं। फिर उस जगह को हथियाने में बादशाह बने किच्चा सुदीप और उपेंद्र की लड़ाई होती है और वहीं श्रेया सरन इन दोनों के बीच मानो पिसती हुई दिखाई देती है। तो ये है किच्चा सुदीप और उपेंद्र की मूवी कब्जा की कहानी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसे क्यों यश की केजीएफ की सस्ती कॉपी बताई जा रही है और दोनों के बीच क्या सिमिलैरिटीज है जिसकी वजह से अब इसका कंपैरिजन हो रहा है। गरीबी। उपेंद्र और यश दोनों ही फिल्म में पहले गरीब दिखाए जाते हैं। दोनों की माँ उन्हें बड़े नाजों से पालती है। नंबर दो, लुक। उपेंद्र और यश दोनों का ही लुक एक जैसा है, एंट्री भी एक जैसी है। दोनों ही दुश्मनों के इलाके में पहुंचने के बाद वहां पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। नंबर तीन, थीम। केजीएफ और कब्जा की थीम देखने में एक जैसी ही है, वही अंधेरे की दुनिया, वही कमजोर लोगों को गुलाम बनाकर काम करवाना। नंबर चार, म्यूजिक। केजीएफ और कब्जा की मेन ट्यून भी एक जैसी ही सुनाई पड़ती है, जैसे कि उसको बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हो। नंबर पांच, सीन्स। केजीएफ के कई सारे सीन्स कब्जा में कॉपी किए गए हैं, फिर चाहे वो रोती बिखलाती हुई माँ ही क्यों ना हो या फिर गैंगस्टर्स का अंधा घुप कमरे में मीटिंग करना। ये सारी बातें बताती हैं कि कब्जा केजीएफ को टक्कर तो देना चाहती है लेकिन शायद कब्जा केजीएफ वाला मैजिक क्रिएट करने में नाकामयाब रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ों की कमाई करती है, क्योंकि केजीएफ वन ने ही वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया था, तभी केजीएफ टू 1000 करोड़ के पार पहुंच पाई थी। कब्जा नाम है तो बॉक्स ऑफिस पर भी कब्जा तो जमाना ही पड़ेगा। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।